वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Hyundai Venue के SX वेरिएंट के एक्सेसरीज के बारे में और यहाँ पे क्या क्या एक्सेसरीज का इंस्टॉलेशन है वो आपको क्या करके दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो इसका हेडलाइट है उसके सराउंड में आप क्रोम देख सकते हो, तो फुल आपको क्रोम गार्निश जो है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और साइड में आते हैं तो साइड में यहाँ पर भी जो ऊपर की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो डोर वाइजर्स हैं वो आप देख सकते हो, क्रोम लाइन वाले अपने डोर वाइजर्स रहते हैं, इसका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से अपनी क्रोम लाइन वाली जो लोअर गार्निश है वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए तो फुल क्रोम लाइन अपनी जो लोअर गार्निश वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं और डोर क्योंकि अभी SX वेरिएंट है तो इसके उस साइड में आपको जो है ना सेंसर भी मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको कटआउट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं डोर हैंडल्स क्रोम इंसर्ट के साथ इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। और अपनी जो लोअर में आते हैं तो यहाँ पे साइड क्लैडिंग है वो इंस्टॉल की गई है, प्रॉपर आपको Venue की जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाती है। अपना पियानो ब्लैक और सिल्वर के इंसर्ट के साथ जो है वो आपको कंप्लीट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे आप देखो तो अपना जो लेग गार्ड है उसका इंस्टॉलेशन किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो लेग गार्ड है वो लगाया गया है, तो ये भी आप लगवा सकते हैं ऑप्शन में, आपको ये मिल जाता है। इसमें पाइप वाला भी आता है तो आप चाहें तो पाइप वाला भी लगवा सकते हैं, तो ऑप्शन में दोनों रहते हैं, चाहे ये लगवा लीजिए चाहे वो वाला। ये वाला लुक में आपको कुछ तरीके का लुक देता है जो कि काफी ठीक लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इंटीरियर से आप देखें तो यहाँ पे अपने जो सीट कवर्स है उसका इंस्टॉलेशन किया गया है, तो प्रॉपर यहाँ पे फुल बकेट जो सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। और यहाँ पे डुअल टोन जो जिस तरीके से आपको कार का इंटीरियर मिलता है ना ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन के साथ, तो सेम उसी कलर के कॉम्बिनेशन में अपने जो सीट कवर्स है उनका इंस्टॉलेशन इस वाली कार के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रॉपर फिटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके की फिटमेंट है और बिल्कुल पैनल वगैरह जिस तरीके से मतलब इसकी सीट की जो बनावट होती है उस तरीके से इसका जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये अपना को ड्राइवर वाला पोर्शन है आगे वाली सीट का, पीछे वाली सीट का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये अपना पीछे वाली सीट का भी आप देख लीजिए किस तरीके का अपना जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। हेडरेस्ट इसके अंदर एडजस्टेबल वाले आते हैं तो वो भी आप देख लीजिए, तो किसी तरीके का जो इसका फिटमेंट रहता है यहाँ पे आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। सेंटर में जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको जो है इस वाली कार के अंदर मिल जाता है। 60:40 स्पीड डाउन सीट होती है तो उसके हिसाब से भी इसका जो अपना कस्टमाइजेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो उसी तरीके की जो सीट कवर्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इंटीरियर में क्या क्या इंस्टॉलेशन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो Venue की स्कफ प्लेट है वो आप देख सकते हो, प्रॉपर ब्लैक कलर की स्कफ प्लेट है ब्लू कलर की लाइटिंग के साथ, आपको कुछ तरीके का जो इसका आउटपुट है वो मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो अपने जो 90 मैट्स है वो इंस्टॉल किए गए हैं, तो प्रॉपर फिटमेंट के साथ ये भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिलता है। ये अपना को ड्राइवर वाला पैनल है, यहाँ पे आप देखो तो ये अपना ये ड्राइवर साइड वाली सीट है वो आप देख सकते हो, और इसमें जितना एरिया कवर हो रहा है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो ये वाला कंप्लीट जो एरिया है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे कवरिंग देखने को मिल जाता है। रियर में भी आपको तो रियर वाले डोर में तो रियर सीट में आप देखें तो यहाँ पर ही कंप्लीट जो है इसका रहता है और ये वाला पोर्शन भी जो है ये कंप्लीट इसका कवर रहता है, तो कंप्लीट आपकी जो मिट्टी वगैरह जाने के चांसेस रहते हैं एक्चुअल फ्लोर के ऊपर वो आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिलने वाले हैं, काफी तक मिनिमाइज हो जाते हैं। तो अपने Venue का जो मॉडिफिकेशन है कंप्लीट हो चुका है, एक बार मिलते हैं सर से और जानते हैं कैसा कुछ उनका फीडबैक रहा है। तो सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम मंगल सारण है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं सर शालीमार से। तो कोई वीडियो वगैरह देख करके यहाँ पे आए थे या फिर डायरेक्ट आए हो? नहीं, मेरे दोस्तों ने काम कराया था तो काफी अच्छा काम करा, तो उस हिसाब से देख के उसी हिसाब से आए थे हम रिकमेंडेशन पे। हाँ। तो जितना कुछ एक्सेसरीज आपने लगवाई है और रिकमेंडेशन पे आप आए थे तो एक्सपेक्टेशन जितनी रही है आपकी सारी कुछ मीट हो गई? बिल्कुल, मजा आ गया काम करने का, काफी अच्छा काम किया। कोई शिकायत वगैरह? कोई शिकायत यहाँ पे? कोई शिकायत नहीं है, आगे दोस्तों को सजेस्ट करेंगे कि आप यहीं से काम कराएं। वो भी नंबर देने 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? हम पूरे नंबर देंगे आपको 10 में से 10। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपने कितना कीमती समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।